ही रास्ता है। मुझे अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके बाद मैं उसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी, पर उन्हें बचाना ज्यादा जरूरी है। क्या चाहिए आप लोगों को? पागलपन मत करो अमृता। अमृता ये क्या कर रही हो? इस शक्ति का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? ऐसा मत करो। ये शक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। लगता है भूत प्रेत का साया है। गए कहाँ ये लोग? न घर लौटे न चौथे पे पहुंचे। समझ में नहीं आ रहा करें क्या। अरे बेटा क्यों चिंता करते हो? घबराने की क्या जरूरत है? हो सकता है रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। क्यों किया ऐसा अमृता? क्यों किया? ये जानते हुए भी कि ये शक्ति तेरी कितनी मदद कर सकती थी। तू समझ रही है तूने क्या खो दिया है? मैं जानती हूँ मौसी, मैंने अपनी शक्ति खो दी है, मगर आज मैंने अपने आप को अनाथ होने से बचाया है। हमें लगता है पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। मैं अभी फोन करता हूँ। हुआ सब? सरुत ये सब क्या? हुआ सबको संभाले, इनको बहुत चोटें लगी हैं। आइए माँ, अब ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हम बिल्कुल ठीक है। चल ये लोग बच कैसे गए? पता नहीं। अरे जी साहब, जी जी आइए आइए, जाओ ना, संभाल के। काका साहब संभाल के। अरे पकड़ो। अरे रघु हल्दी वाला दूध लेकर आओ। जी जी साहब ये सब हुआ कैसे? आप क्या जी जी साहब कर रहे हैं? जाके डॉक्टर को फोन क्यों नहीं करते? हाँ ये सब कैसे हुआ? वो अचानक कुछ गुंडों ने हमारी गाड़ी रोककर हम पर हमला कर दिया। लेकिन क्यों? क्या चाहते थे वो? यही बात हमको भी समझ नहीं आ रही है। हम गाड़ी में जा रहे थे और अचानक शायद वो हमें जान से मारना चाहते थे, और हमें बचाने में बुआ सा घायल हो गए। बुआ सा ने माँ को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी। कहीं मेरा शक गलत तो नहीं है? हो सकता है ये सब बुआ सा नहीं कर रही हो, पर कोई तो है जो माँ को मारना चाहता है। मुझे पता लगाना ही होगा।
कि वो कौन है। की कोई बात नहीं है, मैंने दवाइयां लिख दी है, मैं कल फिर इन्हें आकर देख लूंगा। ओके ठीक है। मैं अभी डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूं। ये सब हमारे कारण हुआ है, आपकी हालत हमें बचाने में हुई है। ऐसे मत कहो बहू, आप हमारे खानदान की बहू, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाते बेटा। क्या बुआ साहब के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो सिर्फ हमारा वहम है? बुआ साहब के साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आता ये सरोज हमेशा बच कैसे जाती है, कहीं उसने कोई अमर बूटी तो नहीं खा ली? आप ही तो लाती थी वो जड़ी बूटियां, गलती से अमर बूटी तो नहीं खिला दी आपने है? ये बात ना आपने बहुत ही अच्छी तरह से बोली जी। जब स्कूल में ना मास्टर जी पूछा करते होंगे ना अक्कल बड़ी या भैंस, तो आप हमेशा भैंस ही बोलते होंगे। और आपको तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। वो तब ना हाँ ठीक है घड़ी खम्मा हुकुम। आओ आओ मेरे देश के वीर जवानों आओ। हाय हाय, तुम दोनों को इतनी चोटें कैसे लगी? कौन आया था उनकी मदद को? कोई नहीं, वो दोनों ही थे। हुकुम हम तो मार ही रहे थे उन दोनों को, लेकिन अचानक कोई हमें मारने लगा। जरूर वहाँ कोई भूत था। अबे चुप, भूत था इससे पहले कि हमारे अंदर का राजपूताना खून खौल उठे और मैं तुम दोनों की लाश यहीं पर बिछा दूं। अरे जाओ, ये सोचिए कि सरोज पर हमारे सारे के सारे वार खाली क्यों जा रहे हैं। नहीं जी, हम तो कोई गलती नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पिताजी ने एक बात बताया था कि अगर कोई इच्छाधारी नागिन किसी इंसान के घाव को नागिन रूप में छूती है तो वो घाव जल्दी भर जाते हैं। अगर एक इच्छाधारी नागिन में शक्तियाँ होती हैं तो मैं आपके कष्ट जरूर दूर करूँगी। अमृता यहाँ क्या कर रही हो बेटा? हम ये देखने आए थे कि आप कैसी हैं। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम रघु से मांग लेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी नींद खराब कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब चाहें हमारे पास आ सकती हैं। अभी क्या है ना, रात बहुत हो गई है ना, जाइए अपने कमरे में जाके सो जाइए। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं रहने दीजिए, रघु उठा लेगा, आप जाइए। मेरे घाव भर गए। हे भगवान, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हो गई। हे शिव शंभू, चमत्कार कैसे हो गया? Thank you.
मैं जानता हूं त्रिवेणी, तुम शुरू से ही एक जिद्दी नागिन रही हो, पर वो मंत्र तुम्हें मुझे देने ही होंगे। जब तक वो मंत्र मुझे नहीं मिल जाते, मैं तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। आखिर मेरी बेटी जिंदा है क्या? वो किसी मुसीबत में है? ये सपने तुम्हारे नींदे उड़ा देंगे त्रिवेणी, तुम्हारे सुख चैन छीन लेंगे। जब तक मुझे वो मंत्र नहीं मिल जाते, मैं तुम्हें ऐसे ही खौफनाक सपने भेजता रहूंगा। सोच क्या रही हो त्रिवेणी? कौन है हम आपकी अंतरात्मा है त्रिवेणी। ये मंत्र भुजंग को दे दो। मंत्र दे दे? भुजंग को मंत्र दे दे? जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानते हैं, हम वही कह रहे हैं जो तुम्हारे दिल में है। ये वक्त दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने का है। तो ठीक है, अपनी बेटी को तड़प तड़प के मर जाने दो और खुद भी तड़पती रहो जिंदगी भर उसके लिए। नहीं नहीं सुनो, वो तुमको पुकार रही है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम ये कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये मंत्र शिव जी की दी हुई शक्ति है। ये मंत्र हम भुजंग जैसे शैतान को कैसे दे दें? ये मंत्र उसके पास जाते ही वो अमर हो जाएगा, फिर ना उसे कोई नाग मार सकेगा और ना ही इंसान। और भगवान? भगवान? भगवान पे भरोसा रखो त्रिवेणी, भगवान की सहायता से भुजंग से बाद में भी निपटा जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी को कुछ हो गया तो तुम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाओगी। लेकिन इंसान बन जाने के बाद इन मंत्रों की शक्ति तुम वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये मंत्र तुम्हारे लिए बेकार है। लेकिन भुजंग, भुजंग इन मंत्रों की शक्ति से सारी दुनिया को बर्बाद कर देगा। पहले अपनी खुशियों को बर्बाद होने से बचाओ, फिर दुनिया की तबाही के बारे में सोचना। जो फैसला करो सोच समझ के करना, क्योंकि फैसले करने से पहले बदले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो सिर्फ अंजाम ही भुगतना पड़ता है। नहीं नहीं, हमें किसी भी हाल में हमारी बच्ची को बचाना ही होगा। ये मंत्र हमें भुजंग को देने ही होंगे। के कमरे में दे आओ। आप यहाँ क्यों आई? हम आपका नाश्ता कमरे में भिजवा रहे थे ना। हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए हमारे सारे घाव भी भर गए हैं। देखिए हम ठीक हो गए। रात भर में सारे घाव भर गए, ये तो चमत्कार है। ये सब शिव जी की कृपा है। जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद करते हैं। आप सच कह रही हैं बहू, शिव जी ने सचमुच हमारे सारे कष्ट हर लिए।
ये देखने आए थे कि आप कैसी हैं। कल रात अमृता हमारे कमरे में आई थी, उसके बाद ही हमारा दर्द, हमारे घाव सब ठीक हो गए। बड़ी अजीब बात है, ये ईश्वर का चमत्कार है या फिर ये बच्ची अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। त्रिवेणी, मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो। भोजन मुझे नाग शतयोत्र के 11 मंत्र चाहिए। त्रिवेणी, मैं जानता था त्रिवेणी तुम जरूर आओगी और मंत्र अपने साथ लाओगी। तुम अपनी ममता को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। ये मंत्र मुझे दो। हम उसे, ये तो एक ही मंत्र है, बाकी के 10 मंत्र कहाँ हैं? ये चमत्कारी मंत्र है। जब तुम पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो अगले दिन अपने आप इस पे दूसरा मंत्र आ जाएगा। तुम इंसान हो गई त्रिवेणी, तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले मैं तुम्हारी सच्चाई को परखूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी का पता बताऊंगा। ये धोखा है भुजंग। जो तुम कह रही हो भी धोखा हो सकता है। अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई और मुझे मेरे मंत्र नहीं मिले तो? तुम्हें अगर 11 मंत्र मिल गए और हमें हमारी बच्ची ना मिली तो? तुम्हें मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। अच्छा, तुम हम पे शक करो और हम तुम पे भरोसा करें? ऐसे तो कोई रास्ता निकलेगा ही नहीं। एक रास्ता है भुजंग, तुम 3 दिनों तक अपनी तसल्ली कर लो। अगर तुम्हें रोज एक मंत्र इस पर मिलता है, इसका मतलब है हम सच कह रहे हैं। 3 दिनों बाद तुम हमें हमारी बच्ची का पता बता देना। तो ठीक है, अब हम दोनों की किस्मत का फैसला 3 दिन बाद होगा। तुमने ये सोचा भी कैसे भुजंग कि ऐसी शक्ति हम तुम जैसे शैतान को दे देंगे? बस बस एक बार हमें पता चल जाए कि हमारी बेटी कहाँ है, फिर हम तुम्हें वो मौत देंगे कि दोबारा जन्म लेने के ख्याल से भी तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी।